दोस्तों व्हाट्सएप ने भी एक न्यू फीचर लॉन्च किया है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, पेमेंट मेथड की। तो अब आप पेमेंट मेथड जो है वो गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे से करते हो, लेकिन अब व्हाट्सएप से भी आप है वो डायरेक्ट है वो पेमेंट कर सकते हो, जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका पूरा प्रोसेस है वो कैसे हम लोग करेंगे, किसी को पैसे ट्रांसफ़र कैसे करेंगे या लेन देन कैसे करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग कैसे पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करेंगे और कैसे हम लोग है वो विड्रॉ करने वाले हैं। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंत तक है वो पता चल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप वो देखते हैं कि हम लोग कैसे है वो पेमेंट मेथड वो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आपके मोबाइल के अंदर ये जो पेमेंट मेथड वाला सिस्टम नहीं आ रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी आपका जो फ़ोन है वो अपडेट नहीं है। तो प्ले स्टोर के अंदर जाके आप पहले अपना फ़ोन है वो अपडेट कर ले, या आपका जो व्हाट्सअप है वो प्ले स्टोर के अंदर जाकर अपना जो व्हाट्सअप है उसको या अपडेट कर ले। जैसे आप अपना व्हाट्सअप है वो अपडेट करोगे तब आपके अंदर व्हाट्सअप में ये फ्यूचर है वो आ जाएगा पेमेंट मेथड वाला। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे एक पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तब आपके सामने आ जाएगा ऐड पेमेंट मेथड, तो उस पर आपको क्या करना है क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ बैंक के ऑप्शन आ जाएंगे, जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उस पर आपको क्लिक करना है, यानी जो आपके फ़ोन नंबर लिंक है उससे वेरीफाई होगा। तो मैंने जो मेरी जो बैंक का लिंक था वो वेरीफाई कर दिया। अब आपको वेरीफाई SMS करना है, एक SMS है वो आपको सेंड करना है। जैसे ही आपका मैसेज है वो वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाता है तो गेट बैंकिंग नाम अकाउंट से ऑप्शन आ जाता है और आपका जो लिंक है वो हो जाता है। तो ये आपका बैंक अकाउंट है वो आपके जो व्हाट्सएप पेमेंट है उससे लिंक हो जाता है। तो ये सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है, सिंपली आपको अब डन कर देना है। उसके बाद आपके ऊपर बैंक की डिटेल्स वगैरह है वो सब आ जाती है और आपका ये जो QR कोड होता है वो भी आ जाता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद भी आप अलग और पेमेंट मेथड और भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप और भी ऐड करना कर सकते हो, और ऊपर आपकी बैंक डिटेल्स है वो आपको दिखाई दे रही है, जो आपने एक पहले एक अकाउंट है वो और लिंक कर रखा है। यदि आप और भी बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से और भी ऐड है वो कर सकते हो। जैसे मैंने 2 बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे लिंक किए हैं। अब सेटिंग के अंदर आप डायरेक्टली जाओगे, यदि आपको किसी को पेमेंट करना है तो आपको 3 डॉट पे आना है और आपको सिंपली क्या करना है पेमेंट पे आना है। फिर आपको न्यू पेमेंट नाम सा एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से आप न्यू पेमेंट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो UPI ID से और स्कैन कोड QR से। इसमें अपने यहाँ पे UPI ID डालेंगे और UPI ID डाल के वेरीफाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे UPI डाल के वेरीफाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है जो सेंड करना है और सिंपली आगे करना है। उसके बाद में यदि आपको इंटर UPI पिन पता है तब तो आपको UPI पिन इंटर करना है, यदि आपको नहीं पता है तो डोंट नो पे आपको क्लिक करना है कि आपको UPI पिन पता नहीं है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तब आपको बैंक का जो आपका ATM कार्ड है उसको वेरीफाई करना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। उसके जो लास्ट के 6 डिजिटल कोड होते हैं वो आपको 6 नंबर डालने हैं यहाँ पे ATM के लास्ट वाले, और आपकी जो एक्सपायरी डेट वगैरह है वो डालना है और इंटर कर देना है। जैसे आप करोगे आपके पास जो नंबर बैंक से लिंक होंगे वहाँ पे OTP आएगी, वो वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे नया UPI है वो सेट करना है ATM पिन लगा के, और फिर आपको एक बार फिर से लगा के कन्फर्म करना है। जैसे आप कन्फर्म कर दोगे तब आपकी UPI सेटिंग है वो पिन चेंज हो जाएंगे जो आप पहले भूल चुके हो। अब आपको सिंपली कुछ देर वेट करना है और फिर आपको इंटर UPI पिन पे क्लिक करना है। जैसे आप इंटर UPI करोगे तब आपके पास अभी नई UPI है वो डाल के आपको सिंपली इंटर करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी आपके 100 रुपये ट्रांजेक्शन है वो हो जाएंगे। यदि आपके पास कोई QR कोड है तो आप उससे भी पेमेंट है वो कर सकते हो, यदि किसी का QR कोड वगैरह होता है वो स्कैन करके। तो जैसे मैंने कोई QR कोड है वो स्कैन किया, स्कैन करने के बाद में मैं सेंड और रिक्वेस्ट मनी पर क्लिक कर देता हूँ। अब कितना रुपया सेंड आपको करना है, 100 200 जितना करना है उतना आपको क्लिक करना है और सिंपली आपको पिन डालना है और इंटर कर देना है, तो ये आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी
और सिंपल ट्रिक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट की हिस्ट्री, आप एक चैट से भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप किसी से चैट कर रहे हो और चैट करते समय यदि आपको किसी से पेमेंट करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको पेमेंट वाला ऑप्शन है वो दिखाई देगा चैट सेक्शन के अंदर, तो आपको यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। और आपको जैसे ही कोई नंबर यूज़ नहीं कर रहा है, जैसे जो व्हाट्सएप पे यदि कोई अकाउंट नहीं है उसका पेमेंट का, तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा, और यदि वो यूज़ कर रहा है तब आपके पास पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी आपको नोटिफाई पे आपको क्लिक करना है, जैसे वो यूज़ करेगा तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो नोटिफिकेशन आपको सिंपली वेरीफाई कर देना है। अब आप यहाँ से सिंपली किसी को भी वो पेमेंट कर सकते हो और पेमेंट वो सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं, बहुत ही सिंपल और ईजी है, और WhatsApp का ये जो नया फ्यूचर है वो बहुत ही शानदार है। तो ये पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी को भी पेमेंट है वो WhatsApp पे कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ। दोस्तों इस तरीके से आप WhatsApp पे किसी को भी पेमेंट है वो दे सकते हो और ले सकते हो। तो ये आपके लिए WhatsApp ने बहुत ही अच्छा फीचर है वो लॉन्च किया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का है। तो दोस्तों यदि आप में ये पेमेंट मेथड नहीं आ रहा है, तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि आपको अपना व्हाट्सएप है वो अपडेट करने की ज़रूरत है। तो पहले अपडेट कर लीजिए और आपके अंदर ये जो व्हाट्सएप में पेमेंट मेथड है वो आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें, और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।